जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज हम ले आए हैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ पोस्ट्स निकाले हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की असामियों को फिल करने के लिए, जहाँ पर आपकी पे स्केल जो है, पे मेट्रिक जो रहने वाला है वो 5th रहेगा। अब अगर पोस्ट्स की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 36 पोस्ट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 पोस्ट्स है, ओबीसी के लिए 33 और एससी और एसटी के लिए 26 एंड 16 रहने वाले हैं। टोटल अगर बात करेंगे तो 132 पोस्ट्स रहने वाले हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 22 पोस्ट्स रिजर्व रखे गए हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट्स रखे गए हैं। अब अगर बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होना लाजमी है। इसके अलावा 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करनी है और वो आप 19/2/2020 से कर सकते हो, 19/2/2020 से कर सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट डेट रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म का फिल करने का और पेमेंट फिल करने का वो रहेगा 11/3/2020। अब अगर बात करेंगे एज लिमिट के बारे में तो एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर 27 साल इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर आपकी रिजर्वेशन के हिसाब से, रिजर्वेशन यहाँ कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसके बारे में आप क्लियरली इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप ये पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हो। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर थर्ड थिंग जो रहेगा मोड ऑफ सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन किस तरीके से रहने वाली है इस इन पोस्ट्स के लिए। देखो सबसे पहली ज़रूरी बात है कि बच्चे को चार स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला जो स्टेज रहेगा वो रहेगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। दूसरा जो स्टेज रहेगा वो मेंस का डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन रहने वाला है। थर्ड थिंग जो आपका रहने वाला है वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका, जिसमें आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए। अब अगर बात करेंगे लास्ट स्टेज जो आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो रहेगा आपका इंटरव्यू। ये रही कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका एग्जामिनेशन फीस यानी कि फॉर्म भरने का फीस कितना रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 300 रुपीज़ इसके लिए एग्जाम फीस लगने वाला है। अब अगर बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो, देखो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी जो डायरेक्टली आपको पहुँचा देगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद। तो आप अगर आप वहाँ से क्लिक नहीं करते हो तो फिर आपको डायरेक्टली www.delhihighcourt.nic.in पर जाना है, वहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है। जी हाँ, ये थी इंफॉर्मेशन दिल्ली हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पोस्ट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके एग्जाम्स।